वहीं बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत सभी अहदेदार और मुतालिका रियासतों के नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आगामी चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, सभी अहदेदार इसमें शामिल होंगे। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है कि किसे अपना फेस बनाया जाए। जिस तरीके से इंडिया अलायंस एक हुआ है, उसके बाद ये बात और ज़्यादा पेचीदा हो जाती है कि आप अपना फेस किसे बनाते हैं, क्योंकि देखिए चेहरों पर ही वोट डलते हैं। चुनाव के अंदर चेहरा सबसे पहले देखा जाता है। वहीं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक दुबे हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए ये एक मीटिंग अहम मानी जा रही है, क्योंकि जहां भी इलेक्शन होने हैं वहां बीजेपी अपना फेस किस तरीके से उतारेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस जब से बना है तब से ही ये बातें और ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं कि आप अपना फेस बना के किसे मैदान में उतारते हैं, क्योंकि उसी फेस की बदौलत वोट मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बीजेपी लगातार अपने चुनावी रणनीति को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, और आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इससे पहले भी एक बार केंद्र चुनाव समिति की बैठक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। और अब आज फिर से वही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर बैठक होनी है। चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। राजस्थान हालांकि इसमें अभी नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही है। खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि छत्तीसगढ़ की 25 सीटों पर सहमति बन सकती है, और बाकी जो टोटल 60 सीटें थी मध्य प्रदेश में जिसमें बीजेपी हारी है, उसमें से 39 सीटों की घोषणा तो कर चुकी है बीजेपी, बाकी बची हुई 21 सीटों पर आज चर्चा संभव है।